समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह इन दिनों सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं से उन्होंने मंगलवार को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफी मांगी है। एक समय अमिताभ के घनिष्ठ मित्र रहे अमर सिंह को इस तरह सार्वजनिक माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? दोनों की दोस्ती शुरू होने और फिर रिश्तों में दरार पड़ने की ये कहानी बेहद दिलचस्प है। एक के बाद एक लगातार फ्लॉप फिल्मों और अपनी कंपनी ABCL के डूबने के चलते उन्हें लगातार आयकर विभाग के नोटिस मिल रहे थे। उस वक्त महज 4 करोड़ रुपए ना चुका पाने के चलते उनके बंगलों के बिकने और उनके दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। तब अमर सिंह ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अमिताभ बच्चन को कर्जे से उबारा। फिर ये दोस्ती लंबी चली और बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में चर्चा का विषय रही। अमर सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया, आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि और मुझे अमिताभ बच्चन जी का मैसेज मिला। जीवन के ऐसे मोड़ पर जब मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूं, मैं अमित जी और बच्चन परिवार को लेकर कहे गए अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं। ईश्वर उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। 2010 में जब अमर सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उस वक्त उन्होंने जया बच्चन से भी पार्टी छोड़ने के लिए कहा। हालांकि जया बच्चन अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाने को राजी नहीं हुई। कहा जाता है कि यहीं से बच्चन परिवार और अमर सिंह के रिश्तों के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। अमर सिंह और अमिताभ के बीच दूरी बढ़ाने में काफी भूमिका अमर सिंह के विवादित बयानों की भी रही। 2017 में अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अमिताभ बच्चन से जब मिला था उससे काफी पहले से जया बच्चन और अमिताभ अलग अलग रह रहे थे। एक प्रतीक्षा में रहता तो दूसरा अन्य बंगले जनक में रह रहा था। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के बीच भी काफी मतभेद की खबरें हैं, हालांकि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अमर सिंह ने यह भी कहा था कि अमिताभ ही थे जिन्होंने मुझे जया बच्चन को राजनीति में लाने को लेकर आगाह किया था।